I'm inside the restaurant and feel काफी अच्छी है, काफी busy है और यहाँ से ऐसे ऊपर आया, ऊपर ऐसे sitting की जगह है और नीचे से पूरा view दिखता है। तो ये है हमारा Arabic meze platter. Hi, what's your name? Anushka. Okay, so you are here with किसके साथ आए हो? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर तरुण खुराना व्लॉग्स का व्लॉग। आज हमारा मुंबई में सेकेंड डे और होली तो आप लोगों ने देख ली कितनी मज़ेदार तरीके से बनी है। तो फिलहाल मॉर्निंग हो चुकी है और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले करते हैं नाश्ता, मैं आपको दिखाता हूँ कि नाश्ते में क्या बनाए, फिर उसके बाद आगे के जो दिन में होगा आप देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, पूरा वीडियो देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, मेरी इस मेहनत को आपको आगे सपोर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस डे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राइस, ये रहा हमारा राइस, ये रही हमारी दाल मखनी एंड ये है साथ में सैलेड। तो ये अभी हम खाने वाले हैं हमारा ब्रंच, तो ये अभी हम खाएंगे। सो गाइस, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ खाने का सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट जहाँ का एक प्लेटर बहुत फेमस है। तो चलते हैं वहाँ पर, सीधा आपको लेके चलते हैं। पहले दीदी का प्लान था, पर दीदी को बहुत सारा काम है अभी, तो फटाफट वो जगह कवर करके आते हैं। स्टे ट्यून्ड, और मैं भी एक्सपीरियंस करने वाला हूँ पहली बार। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ हीरानंदानी के द बरमूडा ट्रायंगल में, और अब तक आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा, तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं असली वाला बरमूडा ट्रायंगल, नहीं यहाँ का रेस्टोरेंट जो बहुत ही फेमस है अपने डिशेस के लिए। तो आज हम यहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं, अंदर देखते हैं कि हमें कैसा खाने को मिलता है, इनकी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो लेट्स गो इनसाइड एंड आई शो यू द लुक एंड फील। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आई एम इनसाइड द रेस्टोरेंट एंड फील काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बिजी है और मतलब लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको फूड पसंद होगा आई एम श्योर। एंड जितने भी हमारे थाने के लोग हैं यहाँ पे, लोग कह रहे हैं कि स्पेशली लोग मुंबई से आते हैं क्योंकि यहाँ की चीज़ें खाने, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा लोगों को। और लिटरली सिर्फ एक सीट यहाँ पर खाली थी अभी मेरे लिए, और यहाँ पर QR कोड है, मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से हम मेन्यू स्कैन कर सकते हैं। तो या गाइज, यहाँ पे मैंने मेन्यू स्कैन कर लिया और यहाँ पे इसका ऐसे ऑप्शन आता है, तो यू कैन जस्ट ऑर्डर फूड। ऑर्डर फूड पे मैंने अभी क्लिक करा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो गाइज, अभी हम यहाँ पे वो ट्राई करने वाले हैं जो यहाँ का सबसे फेमस है और लोग यहाँ इसको दूर दूर से खाने आते हैं, वो है अरेबिक मेज़े प्लेटर, जो सबसे ऊपर आप देख सकते हो 450 रुपीज़ का है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, हम्स, लवाश, पीता ब्रेड, फलाफल, तजाकी, सालसा, बाबा गनूश। तो ये चीज़ें आई थिंक मेरी फेवरेट भी हैं, आई लव लेबनीज़, और जितने लोगों को लेबनीज़ खाना पसंद है ना, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है फूड की, तो इट्स जस्ट नॉट दैट कि आपको सिर्फ यही खाना है, आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो आके, वाइब काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल मंगाते हैं फूड और देखते हैं कि ये रियल में कैसा है। सो गाइस, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ गया, मतलब यहाँ पे कैसे ऊपर ड्यूप्लेक्स जैसा है, तो ताकि मैं अपना पर्सनल रिव्यू इन्जॉय कर सकूँ, ना आसपास थोड़ा शोर हो रहा था और फिर खाते समय बोलो तो लोगों का डिस्टर्बेंस भी होता है, तो मैंने उनकी सेफ्टी उनकी ऐसे कन्वीनियंस का ध्यान रखते हुए सोचा कि ऊपर आ जाए। और नीचे से पूरा व्यू दिखता है, तो ऐसा है, ये भी एक अपना अलग एक्सपीरियंस है बैठने के लिए। तो मैं फिलहाल यहाँ पे आके अपना बैठ चुका हूँ। हाय, क्या थैंक यू सो मच। या यू कैन हैव मोर, थैंक यू। Yeah, so our food platter is here. Oh my god, this looks amazing. ये बहुत tasty लग रहा है. Let me just show you. तो ये है हमारा Arabic meze platter. So इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं.
तो ये फ़िलहाल खाएंगे और आप लोग को बताएंगे कैसा लगा। लेट मी जस्ट टेस्ट इट एंड लेट्स सी। हमने पीता ब्रेड ले ली, अब इसको हम हमस के साथ डिप करेंगे। का वो लिटरल टेस्ट, साथ में वो ऑलिव ऑयल और पेरी पेरी। ओके अब लेट मी टेस्ट और कुछ साथ में। ये क्या है? आई थिंक ये दही लग रही है, दही जैसा लग रहा है। दिस इज समथिंग एल्स गाइस। अब इसके साथ ट्राई करते हैं सालसा। एक एक चीज़ का टेस्ट बहुत ऑथेंटिक है, इट्स वेरी ऑथेंटिक, लविंग द टेस्ट। वाह ऑल्सो नाइस। अब आ रही है बाबा गणेश को ट्राई करने की। सॉरी ये फला फला। गरम गरम विद द हमस। हेवन, वाओ मज़ा आ गया यार, लिटरली अमेजिंग। तो अभी फूड एंजॉय करते हैं, उसके बाद मैं ओवरऑल बताऊंगा कितने स्टार्स देते हैं। तो लेट मी एंजॉय फूड। A few moments later. So guys, खाना खा लिया है, अपना पेट भी भर चुका है एंड तो अब मैं आपको रेटिंग देता हूँ इस जगह के खाने की। प्लेटर चुम्मेश्वरी अमेजिंग। सो आई विल गिव दिस प्लेटर 5 में से 4.5, क्योंकि एक चीज़ थी वो मैं खाता नहीं, वो मैश वाले जो आलू थे उसके अंदर प्याज वाली चीज़ थी, वो मुझे ओके लगी, बाकी सब अमेजिंग भाई। पास्ता यम्मी, सालसा सॉस तो इतनी फ्रेश थी कि जस्ट अभी मेरे सामने बना के लाए हूँ भाई, मज़ा आ गया खा के। तो मेरी प्लेट तो खाली हो गई है, तो अब चलते हैं बिल देते हैं और उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। लेट्स गो। Hi, how are you? All good. How are you doing? Very well. So yeah, if I ask you about this place, so tell me a little brief about this. So, and the whole concept began with me, us as a family who love hosting. Okay. So we wanted to extend that to everybody else, and the whole concept of the Bermuda Triangle is that once you come in, we want you all to kind of like keep coming back for more. Okay. Soak in the vibe, enjoy the food, have a great time soak in the ambience and everything. Okay. So, and what is the most attractive thing you feel about this thing, like this place? For me, I really enjoy interacting with customers, talking, I can see. Understanding the story, like getting out their stories, what they like, just having those small conversations. Yeah. Maybe trivial, maybe like a lot of times we end up watching celebrity shows. Yeah. Understanding their stories, but then you never realize the simplicities and yeah, that's true. The common story that everybody goes through. Everybody has a story to tell. Everybody that's enjoys. True, true. And even I said to my audience, like, you are a really lovable host. You attend really genuinely. So that's how I felt it, and I really love the food. Thank you so much. Thank I would you like so to much. All right, bye. Much later. So, मैं घर आ चुका हूँ, खाना आप लोगों को दिखा दी कितना बिजी। ये नहीं गई है बिल्कुल भी, इनको ही बोला था I am sorry, बाबू। So, आप लोगों ने देखा कितना अमेजिंग जगह थी जहाँ पे हम खाने गए। आप लोग भी प्लीज आइएगा क्योंकि बहुत बहुत मस्त है यार खाना, मुझे पर्सनली अच्छा लगा। थाने वासी जितने भी मुंबई वाले प्लीज आओ यार, और घर की मस्ती तो चलती रहेगी। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तरुण खुराना साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट।